हमारे पास जितने भी कानूनी विकल्प हैं, प्राथमिक जिसमें है उच्च न्यायालय की तरफ जाना, उसके अधिकार क्षेत्र का हम उपयोग करेंगे, निकट भविष्य में करेंगे। इसमें तिथि देना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे सभी अधिकार क्षेत्र जल्द से जल्द इस्तेमाल किए जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारे जो संविधान न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय भी आता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी आता है, उनके पास व्यापक ऐसे पावर्स हैं जिनके अंतर्गत ये जो गलत कारणों से, गलत कानूनी आधार पर दो निर्णय आए हैं, उनको चुनौती दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी लाइव न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। क्या पीएम मोदी की संसद की सदस्यता जा सकती है या पीएम मोदी को इस्तीफा देना पड़ सकता है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आज खबर में विस्तार से बात करेंगे। बात ये भी करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने किस तरीके से ये कहा कि कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मामले चल रहे हैं जिस पर जल्द फैसला आना चाहिए, राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर भी फैसला आना चाहिए, और उनका यह भी कहना है कि पीएम मोदी के खिलाफ तमाम जांच भी होनी चाहिए। दरअसल अपने दर्शकों को यह बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर एक बड़ी बात कही। राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी का ये सीधे तौर पर कहना है कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर फैसला आ चुका है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर कोर्ट ने अपनी मुहर लगाई, लेकिन राहुल गांधी की संसद की सदस्यता अभी बहाल नहीं हो पाई है। दरअसल अपने दर्शकों को ये बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर जो बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था, उसके बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले पर फैसला आना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पुलवामा हमले का अगर जिक्र कर लें, या जिक्र कर लें गौतम अडानी का, या अगर जिक्र कर लें किरण पटेल का, बहुत सारे ऐसे मुद्दे, पीएम मोदी की फर्जी डिग्री का, उन पर कोई जांच नहीं हुई है या उन पर किसी तरीके की जांच दिखती नजर नहीं आ रही। तो क्या वाकई सीधे तौर पर देखा जाए, अब जिस तरीके से देखिए गौतम अडानी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो क्या विपक्ष जिन और मुद्दों को उठा रहा है या जिसमें यह कह रहा है कि जांच पीएम मोदी की होनी चाहिए, मोदी सरकार की होनी चाहिए, तमाम इन मुद्दों को लेकर, तो क्या जांच होगी, और जांच होगी उससे पहले पीएम मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, देखिए एक रिपोर्ट। जहां तक श्री राहुल गांधी जी के वक्तव्य का सवाल है, सब जानते हैं कि वो एक लाइन किस संदर्भ, किस परिप्रेक्ष्य में कही गई थी, किस प्रकार से उसको तोड़ फोड़ कर एक नई आयाम दिया गया है जो बिल्कुल सीधा देखने पे भी झूठा और बेमानी दिखता है। जो कारण दिए गए हैं इस निर्णय में वो बिल्कुल संदिग्ध हैं, गलत हैं, कानूनी रूप से मैं कह रहा हूं। और जो बार बार ओबीसी के विषय में टिप्पणियां की जा रही हैं, उनका उल्टा असर अब हो रहा है। सभी लोग समझते हैं कि ओबीसी समुदाय के लोगों ने ये समझ लिया है कि मोदी जी और सत्तारूढ़ बीजेपी किस प्रकार से उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके नाम को भुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। दो वर्ष का मैक्सिमम दंड देना, जो कभी सुना नहीं गया, कभी हुआ नहीं मानहानि के क्षेत्र में, कन्विक्शन ही नहीं होता है क्रिमिनल, लेकिन अगर होता है तो 3 या 5 महीने से ज़्यादा कभी सुना नहीं गया, उसको सेशंस कोर्ट द्वारा सही मानना बिल्कुल गलत है। इससे अगर कोई भी समझता है कि राहुल गांधी की आवाज़ रुकेगी, झुकेगी, साइलेंट होगी, तो वो न राहुल गांधी को जानते हैं न कांग्रेस को समझते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि फिलहाल इस वक्त के जो हालात देखने को मिल रहे हैं, फिलहाल इस वक्त की जो तस्वीर देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताती है, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बताती कि क्या आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ, उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलवामा हमला
जो हुआ, और देश की जनता जानना चाहती है कि इस पूरे मुद्दे पर निष्पक्ष जांच हो। और लेकिन कहीं ना कहीं अपने दर्शकों को बताएं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो सरकार ने दबा दिए हैं, तो क्या अब उन मुद्दों की अगर जांच शुरू होती है तो क्या एक बड़ा फैसला पीएम मोदी को लेकर भी होगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।